क्या कह सकते इसको, यथा ये ईश्वर अब तो बद्री केदार से सिद्धवली बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, इससे कैसे उभरेगा, हम कैसे उभरेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम इससे उभरेंगे। उत्तराखंड, कई अर्थ तय किए जाते हैं इसके, कोई देवों की धरा कहता है तो कोई प्रकृति से संपन्न राज्य बताता है। यात्राओं की फेहरिस्त में राज्य अव्वल रहता है, लेकिन इन दिनों बहुत बदनसीब लग रहा है, टूट रहा है, आंखों से आंसू लूट रहा है। यह उत्तराखंड सरकार के मंत्री हैं, नाम है हरक सिंह रावत। गला भराया है, आंखें आंसुओं से तरबतर है, इस महामारी के बीच बेबसी सामने आ रही है। अपने हर करीबी के जाने का बोझ छाती पर बहुत भारी लगता है, आंसू भारी हो जाते हैं, टूटते रहते हैं सिलसिला बनकर, गिला रहता है कि हम उन्हें बचा नहीं पाए। सुनिए क्या कह रहे हैं। अभी अभी हम लोग सब लोग मतलब कभी एक बार ऐसा विचलित मन हो जाता है कि कई बार लगता है कि इसके चार दिन पहले जिस व्यक्ति से मिले थे अचानक वो नहीं रहा, और रोज ऐसे बुरे समाचार मिल रहे हैं कि जिससे कई बार मन बहुत खराब हो रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा। मैं सोचता हूँ ये हमारे लिए एक दुखद घटना है कि हम बहुत अपने लोगों को जिनके साथ बहुत सारी यादें हैं, और मैं पहली बार मैं सोचता हूँ कि हर घर में हर किसी के हर घर में कुछ ना कुछ हमको ऐसा सुनाई दे रहा है कि उसके उस रिश्तेदार ने दम तोड़ दिया, उसको व्यक्ति मर गया। ये निश्चित रूप से हमारे लिए एक दुखद घटना है कि कैसे इतने सारे हम लोगों ने अपने कार्यकर्ता, इतने सारे परिवार के लोग हमने खो दिए हैं। ये हम सबके लिए मैं सोचता हूँ बहुत इससे कुछ मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी मैंने कहा ना कि अपनी ज़िंदगी में मैंने कभी मरते हुए नहीं देखा लोगों को। मेरी नानी की डेथ हुई, दादी की हुई, लेकिन मेरे सामने नहीं। मैंने हॉस्पिटल में सारे इलाज हो रहा, सब कुछ हो रहा, उसके बावजूद भी ऐसी स्थिति में पहली बार देखी है। ये मतलब क्या कह सकते इसको, यथा ये ईश्वर हम तो बद्री केदार से सिद्धवली बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, इससे कैसे उभरेगा, हम कैसे उभरेंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम इससे उभरेंगे।